इतनी बड़ी बात इटली की एमपी सारा कुनेले पार्लियामेंट में कहा कि वैक्सीन्स आर अ वे ऑफ फ्री जेनोसाइड, यानी वैक्सीन्स वो तरीका है जिसमें नरसंहार किया जाएगा और मारने वाले के खुद के पैसे भी नहीं लग रहे। और साथ ही उन्होंने कहा ब्लैक को जेल हो जानी चाहिए क्योंकि वो वैक्सीन्स के जरिए हमारे शरीर में माइक्रोचिप्स लगा सकते हैं। जो हमारे पुराने मित्र हैं और हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समय बहुत कम है और चीज़ें बहुत सारी बतानी है एक सिंपल भाषा में। हमने काफ़ी ट्रिक्स यूज़ किए हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कि वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको ये डाउनलोड और शेयर कर देनी। ज़िल्ज के एल्गोरिथम को स्किप करने के लिए हम इस पूरी वीडियो में इन कोड्स का यूज़ करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप इन वॉचवर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए। इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री आखिर क्यों आयुष मिनिस्ट्री और रेड की बातें नहीं सुन रही, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एपिडेमिक एक्ट 1897 लगाया है, जिसकी वजह से सारी पावर सेंटर के पास आ चुकी है और कवर के ट्रीटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी रिकमेंडेशंस निग्लेक्ट करने की ताकत मिल चुकी है सेंटर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसकी बात सुनती है? ICMR की। ICMR को किसकी बात सुननी पड़ती है? सही सोचा आपने, WHO की। यानी कि इंडिया में WHO की गाइडलाइंस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब WHO किसकी बात सुनती है? अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जिसमें 34 मेंबर्स हैं। जो जितना ज़्यादा पैसे देगा उसकी उतनी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डिसीजन मेकिंग में चलेगी। अब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट देखिए। WHO में रैंक 1 इन्वेस्टर है USA। अब आप ध्यान से देखिए इस लिस्ट को। रैंक 2 पे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। रैंक 5 में गावी अलायंस, इसमें ब्लैक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। 2016 से 2020 के बीच में $1.56 बिलियन। रैंक 6 पर देखिए उनोचा, यानी कि UN ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। कवर के लिए आज 12 जून तक इसमें 1141 बार फंड्स डोनेट किए गए हैं, जिसमें से अधिकतर ब्लैक और ब्लैक फंडेड ग्रुप्स ने अलग अलग नामों का इस्तेमाल करके किया है, जैसे कि वाइटल स्ट्रैटेजीज, जिसमें ब्लैक ने सितंबर 2017 में $225 मिलियन दिए। उनोचा में भी ब्लैक के अलग अलग नामों से बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब आप रैंक 8 देखिए, नेशनल फिलेंथ्रोपिक ट्रस्ट, इसमें भी ब्लैक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। रैंक 9 रोटरी इंटरनेशनल, इसमें भी ब्लैक का पैसा लगा हुआ है। 12 जून 2017 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसको $300 मिलियन दिए हैं और उसके बाद बहुत सारी और भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। रैंक 10 यूरोपियन कमीशन, इसमें भी ब्लैक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। रैंक 13 यूनाइटेड नेशन सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आता है गावी अलायंस से, जो कि आपको मैं रैंक 5 में बता ही चुकी हूँ कि ब्लैक इसे $1.56 बिलियन दे चुके हैं। और दूसरा ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ये भी लगभग ब्लैक की खुद की है। और अक्टूबर 2019 में ब्लैक ने इसमें $760 मिलियन लगाए थे, यानी कि UNCERF में ब्लैक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, टॉप 20 में से 7 में क्लियर कट ब्लैक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, और ये वो अमाउंट है जो हम अपनी रिसर्च से आपको बता पा रहे हैं, और ना जाने कितना और छुपा हुआ पैसा लगा हुआ होगा जो शायद कभी किसी को पता ही ना चले। तो आप ऐसे समझिए, WHO की सरकार का नाम है ब्लैक, यानी कि आप सिंपल से समझिए कि ब्लैक की गाइडलाइंस इंडिया में अप्लाई हो रही हैं वाया WHO। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता होगी लेकिन जिनको नहीं पता है तो वह ध्यान से सुनना, ब्लैक जो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो उस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं जिसका दुश्मन है आयुर्वेद। आयुर्वेद अगर आ गया तो ब्लैक का प्रोडक्ट जड़ से ख़त्म हो जाएगा और ब्लैक खुद भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट का नाम है वैक्सीन। ब्लैक की इंटेलिजेंस देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी में 4 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सुनिए, जन्म, शादी और मृत्यु, और एक और चीज़ वैक्सीनेशन। हर किसी को अगर वैक्सीन नहीं लगती तो उसे उस देश की सरकार का फेलियर माना जाता है। दुनिया में शादीशुदा लोग कम हैं लेकिन वैक्सीनेटेड लोग ज़्यादा हैं। तो ब्लैक ने जीवन की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को पकड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हर किसी को इसका इस्तेमाल करना ही करना है।
अब WHO यानी कि ब्लैक ने इंडिया को रिकमेंड की है 11 वैक्सीन्स, जो कि सरकार ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम UIP में शामिल कर रखी है। यानी कि अगर सरकार ये 11 वैक्सीन्स नहीं लगा पाती तो सरकार की फेलियर मानी जाती है। अब आप इन 11 वैक्सीन्स पर निगाह मार लीजिए। BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, PCV, FIPV, MMR, जापनीज इंसेफेलाइटिस, DPT, TT। अब आप इस लिस्ट की पड़ोसी वाली लिस्ट देखिए। गावी, जिसमें ब्लैक के पिछले 5 साल में $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इन 11 में से जो 5 सबसे महंगी वैक्सीन है वो गावी ही बनाती है। अब अगर रेड की बातें सुन ली जाए और आयुर्वेद को अप्लाई कर दिया जाए तो कवर तो क्या, कवर के बाप का डर भी खत्म हो जाएगा, और अगर डर खत्म हुआ तो लोग वैक्सीन लगवाएंगे ही क्यों। तो इसलिए कभी भी ब्लैक नहीं चाहेगा कि आयुर्वेद सामने आए। अब आप ये पूरी पिक्चर समझ गए कि अगर लोग डरेंगे नहीं तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं और ब्लैक का धंधा चलेगा नहीं। तो बात ये है कि क्या ये बातें गवर्नमेंट को नहीं पता होगी, और गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करवाएगी। गावी अलायंस हमेशा उस देश को टारगेट करती है जो गरीब हो, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ एशियन कंट्रीज। अब एक एग्जांपल देखिए। दिसंबर 2015 में इंडिया के वैक्सीन का बजट था 600 करोड़ और गावी ने 1200 करोड़ रुपए दिए, जिससे वैक्सीनेशन का बजट हो गया 1800 करोड़। इंडिया, जिसका हेल्थ बजट पहले से ही इतना कम है, वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगी कि कहीं से हेल्थ के लिए फंड मिल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट उसे ना ले। इससे इंडियन गवर्नमेंट को जनता को दिखाने के लिए एक चीज़ मिल गई कि देखो हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे। और दूसरा, अगर इंडिया WHO की बातें नहीं मानेगी तो जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि अभी भी लोग WHO की गुलामी कर रहे हैं और हल्ला मच जाएगा पूरे देश में कि एक ऐसी सरकार है WHO की बातें नहीं मान रही है, जिससे उस वक्त सरकार के इलेक्शन के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यही डेमोक्रेसी का खेल है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी तो गवर्नमेंट को पड़ेगी दोहरी मार। और गावी इसी डेमोक्रेसी के सेटअप का फ़ायदा उठाती है, यानी ब्लैक WHO के रास्ते से अपनी वैक्सीन्स इंडिया में बिकवाता है। अब आप ये टाइमलाइन देखिए। 25 सितंबर 2019 को ब्लैक ने हमारे PM को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया। 19 नवंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक MOC साइन हुआ, यानी कि एक अग्रीमेंट। दिसंबर में कवर फैलने लग गया। 8 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उस MOC को हामी दे दी। 22 अप्रैल 2020 को ब्लैक ने हमारे PM को मेल भेजा, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के फैसले की बहुत तारीफ की। और 15 मई 2020 को एक बार फिर ब्लैक ने ट्वीट किया हमारे PM को, जिसमें उन्होंने फिर से तारीफ की और साथ में वैक्सीन बहुत ज़रूरी है ये जुमला भी कहा। और ये भी होने वाला है कि जो भी मनगढ़ंत वैक्सीन लॉन्च होगी उसके लिए पैसा भी ब्लैक देगा हमारे देश को, क्योंकि आखिर में कमाई तो उसी की होनी है। अब कोई भी गवर्नमेंट अपने सत्ता का लालच नहीं छोड़ती, क्योंकि सरकार का काम लोगों की मदद करना नहीं होता, इस भ्रम में मत जियो। सरकार का काम होता है अगला चुनाव जीतना। अब इस मोड़ पे अगर सरकार WHO की यानी कि ब्लैक की बातें नहीं मानेगी तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, और साथ ही ब्लैक ने हमारे PM से पर्सनल कॉन्टैक्ट बना के उन्हें अवार्ड दे के उन पर दबाव डाल दिया है। अब हमारी PM रेड की बातें सुनेगा या ब्लैक की बातें, क्योंकि रेड तो उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं और सरकार चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। अब ये ध्यान से देखो कि WHO के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। WHO मान लो एक साल में 100 रुपये इकट्ठा करती है, तो इसमें इनडायरेक्टली 30 से लेकर 40 रुपये के बीच ब्लैक से आता है और बचा 60 अलग अलग देशों से आता है। इन देशों में से जो गरीब देश होते हैं वो WHO को पैसा कैसे देते हैं। ब्लैक की अलग अलग नामों से खोली गई ऑर्गेनाइजेशंस इन गरीब देशों की सरकार के पास जाती है और उन्हें वैक्सीन के नाम पर पैसा पकड़ाती है। अब यही पैसा ये देश उठा के वापस WHO को दे देते हैं। मतलब गरीब देशों का पैसा जो WHO भी जा रहा है वो भी ब्लैक से ही आ रहा है। बस ठप्पा उस देश का लग जाता है कि हाँ, इस देश ने भी अपना शेयर WHO को कॉन्ट्रीब्यूट किया, ताकि किसी की उंगली ब्लैक पे ना उठे। अब आपने देख लिया कि WHO पे पैसा कहाँ कहाँ से आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ये खर्च किधर होता है। आपको लग रहा होगा कि WHO का पैसा तो काफ़ी सारी जगहों में लगता होगा, जैसे कि भूखमरी हटाने में, गरीबी हटाने में, दवाइयों में। लेकिन अब मज़े की बात सुनिए,
2018-19 के आप ये नंबर देखिए, WHO के पैसे में से 19.36% जो खर्च हुआ था वो था पोलियो वैक्सीन पे डायरेक्टली, जो कि ब्लैक की ही कंपनीज बनाती हैं, और 7% WHO का पैसा लगता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस में, यानी कि 26-27% तो डायरेक्टली पैसा खर्च हो रहा है वैक्सीन पे। और वैक्सीन बनाता कौन है और बिक्री किसकी होगी? ब्लैक की। ये तो डायरेक्ट खर्चा है वैक्सीन पर, और ऐसा इनडायरेक्ट खर्चा बहुत सारा है जो WHO वैक्सीन पर लगा देती है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पोलियो वैक्सीनेशन पर $1.6 बिलियन लगाया हुआ है, और ऐसे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अलग अलग वैक्सीन पर लग रहे हैं। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की पार्टनरशिप ने मिलकर पिछले हफ्ते खबर रिलीज करी थी कि वो सितंबर तक 200 मिलियन कोरोना वायरस की वैक्सीन बना देंगे, तो ब्लैक ने उन्हें ऑफर कर दिया कि ये लो मेरे $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन को जीवन चक्र की एक ऐसी चीज की तरह मार्केटिंग की गई है जिससे हर इंसान को गुजरना ही गुजरना है। एक बारी कोई इंसान के पास माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं हो, जो कि ब्लैक की ही कंपनी है, लेकिन इसलिए ब्लैक ने दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया है जो कि है वैक्सीन। अगर आयुर्वेद और रेड की बातें मान ली जाए तो ब्लैक का धंधा चौपट हो जाएगा, लेकिन WHO की बात हम तो नहीं मानेंगे। ये कहने की वजह से सरकार की बेइज्जती हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी WHO को भगवान समझते हैं, इसलिए सरकार को WHO की बातें माननी ही पड़ेगी। लास्ट में ये फ्लो चार्ट देखिए, ब्लैक चलाता है WHO को, WHO चलाती है ICMR को, ICMR चलाती है देश के हेल्थ बजट को, और देश का हेल्थ बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है वैक्सीन पर, वैक्सीन का पैसा जाता है गावी पर, और गावी का पैसा जाता है वापस ब्लैक पर, और ऐसा ब्लैक हर गरीब देश के साथ कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लो वैक्सीन से ब्लैक बहुत बड़ा धंधा कर रहा है, लेकिन क्या ये वैक्सीन किसी काम की भी है या फिर ये एक मौत का सौदा है? क्यों इंडिया ने HPV वैक्सीन को देश से लात मारकर भगाया जो कि ब्लैक की ही थी, और हम ऐसा क्या करें कि रेड की बातें सरकार माने? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेड की डिलीटेड वीडियोस को एक जगह इकट्ठा करके हमने एक नया चैनल बनाया है, द रेबेलियस फ्लावर, जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला किसी भी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो आप द ओनली वन कम्यून ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप जानेंगे कि कैसे ध्यान की मदद से रिकवरी की गति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।